जेई मेन्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो उसकी कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई, उसका डेट अनाउंस कर दिया गया कब से आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। हेलो एवरीवन, आई एम वंदना, अ करियर साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी। सो टुडे वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर ऑल IIT JEE एस्पिरेंट्स। सो जो भी बच्चे 2024 में IIT JEE का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए NTA ने जो है एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अकॉर्डिंग जो है आपके JEE मेन्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो उसकी कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई, उसका डेट अनाउंस कर दिया गया कब से आपकी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। सो आपके जो JEE मेन्स के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 1st of November से स्टार्ट हो चुका है जो कि आपका 30 नवंबर तक रहेगा। एंड उसके साथ ही आपका जो है फी जमा करने की आपकी लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर रात 11:50 तक जो है आपको फ़ी अपनी पे कर देनी है। एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है 24th of January से लेकर के 1st फरवरी तक जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड उसके साथ ही जो है NTA ने एक और अनाउंसमेंट की थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि जो है रजिस्ट्रेशन के साथ ही वो जो है एग्ज़ाम के जो रिजल्ट है वो भी जो है अनाउंस कर देंगे कि कब आपके रिजल्ट जो है आएंगे। सो आपका जो रिजल्ट है वो 12th February को जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही जो है आपको जो पता होना चाहिए कि JEE मेन्स का जो एग्ज़ाम है वो 13 लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाता है। एंड उसके साथ एक और लेटेस्ट न्यूज आई है कि जैसे आपको भी पता है JEE मेन्स में 2 सेशन होते हैं, 1st सेशन आपका जनवरी में कंडक्ट करवाया जाता है एंड 2nd सेशन जो है वो आपका अप्रैल में करवाया जाता है। सो इस साल जो है NTA ने जो है अनाउंसमेंट किया कि जो भी बच्चे जो चाहते हैं सेशन 1 के साथ सेशन 2 के भी फ़ी पे कर देना, उनकी रजिस्ट्रेशन करवा देना, तो वो एक साथ दोनों सेशन का फ़ी जो है वो पे कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि सेशन 1 देने के बाद उसके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग हम सेशन 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आप अगर दोनों सेशन का एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं, एक साथ फ़ी पे करना चाहते हैं तो आप एक साथ पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है अगर आप सेशन 1 देने के बाद फिर सेशन 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। थैंक यू।